में चोरों ने दो मकानों को अपना निशाना बनाया, जिनमें से लाखों के जेवरात व नकदी पर हाथ साफ किया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं एक घर में चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। फिरोजाबाद जिले के शुकाबाद नगर शंकरपुरी फ्रेंड्स कॉलोनी में चोरों ने दो घरों में हाथ साफ कर लिया और लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। चोर एक घर का ताला तोड़ते सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुए। बताया गया कि फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी मोनिका अपने पिता को हार्ट अटैक आने से वह मायके गई हुई थी और मकान बंद था। रात 3 बजे 3 बदमाशों ने मकान का ताला तोड़ कर लाखों का सामान चोरी कर लिया और चोर ताला तोड़ते समय सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। साथ ही मोहल्ला शंकरपुरी में दलित नेता बॉबी पुत्र राम बाबू के बंद मकान को भी ताला तोड़ कर नकदी जेवरात चोरी कर ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। आदित्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। 20,000 रुपए और जेवर था। कितने का जेवर था? करीब पूरे जेवर था। नहीं, क्या क्या ले गए? खाली कानों के ये पहने वर्गी सब चला है। नहीं, क्या क्या है? कुछ चूड़ी हार भी था, चैन है, कंगन अंगन सब था, जाले आले। आप कहाँ गई थी? अपनी मम्मी के घर गई थी। कौन कौन सी जगह? शंकरपुरी। क्या परेशानी? माता जी को अटैक आ गया था तो इसलिए वहाँ गए थे। या बंद था मकान बिल्कुल? इसमें था नहीं? नहीं, मकान बंद कर दिया। बॉबी जाटव, क्या घटना हुई? कल शाम की टाइम मैं यहाँ से 11 बजे मैनपुरी चौराहे पर अपने शाम साहब के मकान पर गया हुआ था। तो यहाँ घर पे अब पता नहीं कितने लोग बाहर के ताले तोड़ के और ऊपर चले गए। तो उसमें अलमारी की चाबी अभी रखी हुई थी। सो अलमारी में 19,600 रुपये और बच्चे के खलुआ, सोने की हाई फाई, बहू की तोड़िया और वो कन्नौनी रखी हुई थी और एक मंगलसूत्र और अंगूठी रखी हुई थी दीवान में, वो भी ले गया। आप किस चुनाव लड़ रहे हैं, किस पार्टी में हैं? क्या मैं जिला पंचायत की तैयारी करने में लगा हुआ था वार्ड नंबर 28 से। आप किसी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, अभी तो वैसे यहाँ से अम्बेडकर जयंती निकाला करता हूँ मैं हर साल। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से नहीं निकाल पाई और यहाँ से 2017 में मैं विधायकी का चुनाव भी लड़ चुका हूँ।